अज असा नाल मोजिया दब्बल तहसील सुहावा जिला जेलम ने नंबरदार अब्दुल रशीद साहब ए इन्हां कोलों ए पुछसां कि मंगला डैम ने जड़ी तोसी हुई और पानिया की सतह अपर बुलंद हुई उसने इस ग्रां पर कै असरात होए ओ असा अज नंबरदार साहब कोलों पुछसां। नंबरदार साहब तुसां कै समझने हो कै नुकसान होए इस दबला ग्रां की? ए ग्रां ना इतना बड़ा नुकसान होया जिहड़ा इत्थे रहने नूं चांस नहीं आबादी नाल रहने नूं चांस नहीं। ते तुसा कह समझने हो ए जड़िया चरागाहियां पार है सामने ए सारियां डुबनियां पियां डाए डिब्बे सारे डुबने पे ते अगर ए रफ्तार इस नहीं रही ते अगे कह तुसा सारी तबाही हो बर्बादी हो जाती कोई नामशान खत्म हो जाती। ते ए जे जरी जमीना भी आ गया डैम नी नजर ते फिर कह समझने फिर गल है गवर्नमेंट साड़ा तफत करे लिहाजा ग्रां की पूरा मुआवजा दे ते इथो ठाल के ते और कुछ मजीद जगह दे जोड़े। जे 1260 तक पानी चढ़िया तो ए ग्रां ने कुथे तक पहुंची? जनाब तुहाडे पिछे बैक साइड ते ओ जनाब सामने तुहाडे फगवाड़ जिथे ओ फगवाड़ जिथे सामने ठीक है। ते जे बने कोल बाड़ी जीवी ना हुई ते ए अजनास ते जरी फस कम ते ए सारे फिर ते बने ना रोजगार सारा खत्म हो गया सी क्या समझ हो गल है अहमद नवाज इस जनूबी तरफ सरकारी जंगल जी जी आज मेल पगना माल मशी चरना कल गवर्नमेंट इसी पाबंदी भी कर सकने सारे को ना कोई मजदूर आ रहा तो ना जरी जमीन रही तमाम तबाह और बर्बाद हो गए। तो ये जरा पानी अच्छना पिया लैंड स्लाइडिंग होनी पी इसने कितने कोई खदशे खास कर है चाफ फजल सैन और उधर बुन ताया अरबी और ने पासेदार इन्होंने तबाही बल्कि पूरे ग्रह ने तबाही बर्बादी होती एक इन्होंने तरी ना उन्हें जी जी ये तो पूरे जदू सलाम अलैकुम। मोजिया दब्बल तहसील सुहावा जिला जेलम ने रिहायशी चाचा इफ्तखार अहमद अज असा नाल है और ये अपने तासुरात और ख्यालात दसन जड़ा मंगला डैम नी तोसी हुई और इस बाबत जड़ी मोजिया दब्बल ने लोगों की परेशानियां और मुश्किलात पेश आई। चाचा तुसा कै समझने हो यह जड़ा पानी मजीद अपर चढ़ी रहा इसने कै नुकसान हो सन? इसने बहुत बड़े नुकसान है एक तो सारा जिथे अस खलते हुए ना ये सारा जंगल था ये तबाह बर्बाद हो गया सारा मजीद पानी चढ़ना पिया ते लिहाजा गिरना जाना डैम नहीं नजर आना जाना। ते चाचा तुसा क्या समझने हो खाली जंगल ही तुसा ना तबाह बर्बाद होया या बाकी जरी जमीन और शमलात वगैरा भी कोई बर्बाद हुई? बाकी तुसा ये समझी करो कि जी सारी शमलात भी हुई और जमीना भी ओ भी डैम नी नजर हो गई के लिहाजा मजीद पानी जरा ना नाल बजना जमीन जड़ी गिरनी जानी। 2013 च जड़ी तोसी हुई और काफी डैम अपर चढ़ी है जमीना आ गया जेरे आब तो गवर्नमेंट पाकिस्तान तुसा की माली मामनत भी तो की ना? नहीं नहीं कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दी इस पास अस कितने बंदे मसाला जा चुके तुसा कुथे जाने रहे हो? मीरपुर मंगला ठीक है उठा बनिया रिकॉर्ड अपने कढ़ाए ठीक है ते कोई साड़ा अमल दरामद नहीं हुआ सुहाव है बंदे के ठीक है नमदार शहीद और रावलपिंडी ने भी बंदे ठीक है कोई किसा किस्म नहीं गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं। तो क्या वजह गवर्नमेंट सर्वे किया नहीं करनी पी और किया नहीं दसनी पी कि ये बंदे मुतासर हुए और इन्हों की माली मुआवजा या कोई मुतबादल जमीन दी जाए? गवर्नमेंट ने यही नुकता नजर है कि कहना असा की कोई दिता जाए जेडे महकमाना तौर पर वो ACDC बैठे हुए तो कहने के तुस पैसे लाओ तो पैसे गरीब आवाम कुछ लाए जिसे कोई रोजगार ही नहीं अपना रोटी भी औखी कमाना पाया ये गवर्नमेंट ने फर्ज बनना कि असा की जी जमीन सारिया डैम ने नजर गई वो असा की कहना उसने बदला या जमीन दे दी जाए या असेंगी माली मामलन कीती जाए। बहुत मेहरबानी। तो चाचा तुसने पिछे जड़ा ए डैम चन्ना पिया इथे सुनिया पहले कोई ग्राम ही आबाद होने से और ए चारा गां सन इसने बारे तुसने क्या ख्याल है? ग्रां से मोजिया मलाल जी जी ते मोजिया जनूब तरफ कांसी ठीक है ए दो ग्रां से सही है मगरिब तरफ रामपुर रंडा ठीक है ते कन्याल ठीक है
शमाल तरफ अर्दोस रखी। ठीक है, मैंने पोठा। सही है चाचा, तुसनी बहुत मालूमात या बड़िया डीप किस्म जखीरा इल्म ना रखने हो इस हवाले नाल। तो बाकी इस मोजिया दबल ना मले वकू क्या, इसने चारों तरफ पानी या त्रै तरफ या केड़ा खुशकी ना एरिया? इसने शमाल तरफ पानी जी जी, मशरक तरफ पानी जी जी, मगरब तरफ पानी। ठीक है, एक जनूब जला रास्ता। ठीक है, ओ कना सारा खुशकी ना। ठीक है, बारह अगर 1270 मंजूर हुआ है तो ओ सारा रास्ता बंद है। 1270 नजर हो जाए, इंतई परेशानी नहीं तुसा गल दसी चाचा। और मैं अपने व्यूर की दसना चाहना कि बेशक तुसा गूगल अर्थ मैप खोली तय तकी सकने हो और चाचा और इस स्टेटमेंट की कंफर्म करी सकने हो कि वाकयातन मोजिया दबल इकिया जा ग्रां जिसने तकरीबन चारों तरफ पानी लगना, सिर्फ खुशकी ना हिक पैचेज आ, अगर मजीद अपने मंगला डैम नी तोसी हुई तो ओ भी बंद हो जासी। ते तुसा नी कोई फरियाद हकूमते पाकिस्तान अगे, कोई इमरान खान अगे, इंसाफ नी तहरीक अगे? सब तू पहले तो मैं कहना रिक्वेस्ट कर सा जेड़े मुतलका साढ़े तहसील सभाव ने एसी साहब है ते जिला जेलम ने जेड़े साढ़े डीसी साहब है के ओ साढ़े कहना साड़ी ए नुकता नजर सुनन ते इसने अमल दरामद करन। उस तो बाद जीरे आला पंजाब गुलजार उस्मान साहब जेड़े उन्हां का साड़ी रिक्वेस्ट है। चाचा इफ्तखार, तुसानी अपील कुछ अगे है और तुसा क्या अपील करना चाहते हो? सब तू पहले अपील मेरी है मुतलका साडे एसी साहब दे सुहावा और इस तू बाद डीसी साहब जिला जेलम, इन्हां गै अपील है कि साड़ा इस गल किस नुक्ते नजर के सुनन ते साड़ा ए कोई मसला हल करान। उस तू बाद जेड़े साढ़े अलका छाट ने चौधरी फरक अल्ताफ MNA उन्हां गै साड़ी अपील है कि इस पचीदा मसले के हल करान। और उस तो बाद चौधरी फवाद हुसैन जेड़े अलका सताठ ने इसलिए वफाकी वजीर भी साइंस और टेक्नोलॉजी ने ओ भी सारी इस बारे च रहनुमाई और मदद करन। ये उन्होंने फर्ज हक आ के अस उन्होंने वोट भी दीते हुए तो लिहाजा वो सारी रहनुमाई करन। उस तो बाद वजीर आला पंजाब उस्मान गुलजार साहब जेड़े ओ भी साढ़े इस गल की सुनन ते इसने ते अमल दरामद करान। इस तो बाद वज़ीरे आज़म पाकिस्तान इमरान खान जिन्हां ते बहुत सारिया अवामियां तवक्कोयां कि एक वज़ीरे आज़म इमरान खान ए मसले हल करा सन ते उन्हां गै साड़ी दर्द भरी अपील है कि इस मसले की हल करान के असां बहुत गरीब लोग हाँ, साड़ा कोई जरिया माश नहीं, सिर्फ माल मवेशी आ तो वो भी सारिया चरा गां शां या जो कुछ भी आ वो भी डैम ही नजर हो गई। इस वास्ते कि एक खुशकी रस्ता वो भी सारा बंद हो जासी अगर पानी डैम नहीं तो सही हुई 1270 नहीं तो टापू हो जासी जजीरा नमा उन्होंने सफर और क्या कर सकने। साड़ी तो अपील ही है घूमते वक्त गए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया चाचा इफ्तखार अहमद मोजिया दबल तहसील सुहावा जिला जेलम। तुसा अपना पैगाम अपनी अपील इस चैनल और इस टीम ने थ्रू आवाम तक और खासकर जिम्मेदारान तक और मुतलका अदारियां तक और हकूमती मनसब पर बैठे हुए बड़े बड़े शख्सियात तक तुसा अपनी अपील पहुँचाई और यकीन करने कि इंसाफ नी तहरीक अपने इंसाफ ने रंग जरूर दसी। बहुत मेहरबानी चाचा अब्दुल गफार। ए डैम नी तोसी होने नाल डैम ना पानी अपर चढ़ने नाल तुसों की क्या नुकसान होया? और तको ना सामने सारी जमीन सारी रुड़ी गई ए पानी ए नाल आ ते असा गरीब बंदे आ ते हुन असा क्या करा जे ता कुदर जाओ जितने आखने आ बस जी आज तक कल आज तक 7-8-10 साल हो गए पानी उपर चढ़िया मैं। जहरी गल है चाचा अब्दुल गफार, तुसों की तो बड़ी जहनी तौर पर परेशानी हो सी कि ए तुसानियां बाड़ियां जीवियां जड़ियां ए डैम नहीं नजर आनियां पियां, तुसानी कुसे अगे अपील
अपील है ना जी जेड़े सब हकदार बंदे असा आने के आनी मौका तक असा ज्यादा मुतालबा सारा पूरा करना तको जी ये जमीन तको इधर सारे नजर मार ये सारिया जमीन असन कुछ डेम चली गई तो जी रेहनी वो बस जे कोई ट्रैक्टर शक्टर मंगाई इथा कराओ खाली जैसी लैंड स्लैंडिंग मुश्किल है इथा कोई जड़ी साखत है जमीन ही मिट्टी है या कोई कंक्रीट या कोई पथरीली बिल्कुल सही जी तकी सकने हैं पूरा नाला पई गया और ए नाला आलरेडी ज्यादा दूर को नहीं ए बिल्कुल डैम तुसों की जिसरे नजर अच्छना पिया ते ए चाची और नी उसकी कहने बाड़ी है और ए ओले ओले सालो साल जड़ी है वो टैनी पई ते चाचा और इस सिलसिले च बड़े परेशान है और इन्हें ए मैसेज रिकॉर्ड किया ताकि हकूमते वक्त जड़ी है इसने बारे च को गौर फिक्र करना और चाची और की मुआवजा दिता जाना चाहिए इस बाड़ी ना चाचा जी मुतमिन हो इस मैसेज चो बड़े गरीब बंदे सारे जमीना भी टुर गई शिमलाता भी टुर गई मकान भी समझो सारे टुर गए ए जमीन जेड़ी है सामने ए भी गिर रही समझ गए लिहाजा कोई साढ़े ते नजरसानी करो नहीं तो साढ़े बच्चिया बच्चे सारे तैयार हैं कि पानी जे खुदकुशी करनी है अगर कोई साड़ा को मुतालबा ना मंजूर किया गया देखो जी पानी बिल्कुल नजदीक है अपर मेरी जार है बकरिया ने अपर नाल ही मकान है खुदा ना करे कर रात नु स्लाइडिंग होया असा तो माल है सने ही पानी है गवर्नमेंट ना काम आ कि मेहरबानी करन ते कोई साढ़े ते नजरे सानी करन कि खुदा इन्ना ही करे कि कोई अजे हादसा बनी जाए ते इंसान ते मिलना को नहीं चलो मकान शान ये ते चीजा मिल सकनी है क्या ख्याल है ते चाचा लेकिन तुसानी हुकूमत को क्या अपील है क्या करना चाहिए को मुआवजा मिले कि कोई मुतबादल को बंदोबस्त करे मुआवजा दें ते असा चलो अगे पिछे मकान शान बना लो माले ने ते ए माले ले तुसा ने जेड़ा अंदर आ बकरियां डंगरां ना कोठा इस तू अलावा भी कोई उधर भी कोई कोठा है नहीं, नहीं उधर कोई माल है मोशी ने कोई मकान नहीं सारे वास्ते बस इको ये मकान जेड़ा इसने गुजारा करने अपने माल ना ते चाचा तुसा ना जरिया मुआश क्या सिर्फ माल माल डंगर की कोई मदद नहीं सिर्फ जमीन ते ए माल ते जमीन जड़िया तुसा नी डैम ही चछनी पिया पानी च ते गवर्नमेंट कोई मुआवजा दिता जड़िया जमीन कोई मुआवजा नहीं मिलया जी काफी अरसे तू जिस दिन पानी चले 7 साल हो गए कोई मुआवजा नहीं ए मेहरबानी है उन्होंने गुजारिश है ते इस दफा मौका तकन ते असा ते नजर सानी करन के खुदा ना करे कोई ये हादसा हो जाए सड़िया जाना भी चलिया जा ते इंसान बड़ा कीमती है ते ए जड़ी तरीके इंसाफ नहीं हुकूमत आई तुसों की उम्मीद है कि तुसों की कोई इंसाफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा यकीन है ते असा की बड़ी उम्मीद है इन्हां पर के इंसाफ ना मतलब ही होना तरीके इंसाफ ना कि इंसाफ करना सब तो बड़ा मतलब यही है कि इंसाफ अगर इंसाफ ना कर सन तो फिर आखिरत च सारे ना हिसाब किताब होसी असें बड़ा यकीन है इंशाल्लाह ताला कि ये साढ़े ते नजरसानी कर सन मौका तक सन ते फिर जो भी है मुआवजा जरा बनना असा दे सन तो असा अपनी किरा और शिफ्ट कर ले सा माले ना मकान शान कोई तमीर कर सन बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया चाचा तुसा बड़े क्लियर तरीके नाल दस्या के क्या होना चाहिए जी मोहम्मद इकबाल भाई असन आले पीटीआई यूसी लैडी ने बड़े मुखलस ते मुतरक कारकुन ए अपनी कुछ गल और पैगाम पीटीआई तहरीके इंसाफ नी हुकूमत की करना चाहे दसो क्या पैगाम दसना चाहे अपील है मंगला डेम ना पानी बिल्कुल साढ़े घर पहुंची गया और साड़ी जमीन काश्त कर रहे सा बिल्कुल उस जमीन पानी आ गया माल मवेशी ने कम सा और बिल्कुल फर्क हो गया कख भी नहीं ए इंसाफ की तारीख सी असा जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाल गुजारिश कर रहे हैं कि इन्होंने असां कोई सड़ाल कढ़िया जाए बहुत मेहरबानी इस तू पहले भाई मोहम्मद इकबाल तुसा ने दादा और पड़दादे भी काफी जमीन रकबे और कुछ मजरूआ और शमलात जड़ी है ओ मंगला डैम नी तोसी नी नजर होई गए ते उन बाकी जड़िया बाड़िया जीवियां सना ओ भी दिसना पिया मंगला डैम नी तोसी नी नजर होई गए ते तुसा हुकूमत पाकिस्तान को क्या चाहने हो
حکومت پاکستان کو جانے ہاں معاوضہ سانو مل جائے اسا کو اگے پیچھے لگے جا ہاں تے کسے کو کار بالکل ساڈے وچ آ گئے بالکل پانی نال آ اے جڑیاں ہاں ਐ ਤੱਕ ਸਕਣੇ ਗਿਰਨੀਆਂ ਪਏ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਸਭ ਯੋਗ ਜੀਆਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਣੇ ਵੀ ਕੱਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਹਿਣੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਬ ਪਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਕਣੇ ਰੋਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਮੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸਨੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਕਿਆ ਦੱਸੂ ਕਿਆ ਤਵਕਾ ਰੱਖਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਗਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾ ਤੱਕ ਸਕਣੇ ਹੋ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਆ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਦਾ